Hello children, I hope you all are good. Today we are going to discuss the another topic of SST that is going to be categorized in geography. Or the name of the chapter is Life in Temperate Grassland. In previous chapter we have studied about the tropical and subtropical region. अब हम बात करेंगे टेम्परेट रीजन की और टेम्परेट रीजन में कैसे ग्रासलैंड ग्रो अप करते हैं, क्या क्लाइमेट है, क्या वेजिटेशन है, इन सबको इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए टेम्परेट जोन है क्या। सो टेम्परेट जोन इज लोकेटेड विद द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द आर्कटिक सर्कल इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। एंड अब नीचे आ जाओ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू द अंटार्कटिक सर्कल इन सदर्न हेमिस्फीयर। आप जल्दी से बताओ इसकी डिग्री क्या होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपका है 23.5 डिग्री नॉर्थ पे, याद आ रहा है, और आर्कटिक सर्कल है आपका 66.5 डिग्री नॉर्थ पे। चलो डायग्राम देख लेते हैं फटाफट से। अगर हम बनाएं ग्लोब, देखो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है, आप अपनी ड्राइंग बनाना ओके। थोड़ा सा ये टेढ़ा हो गया। ग्लोब आप देखिए, ग्लोब पे आपको ये पता होना चाहिए दिस इज जीरो डिग्री इक्वेटर ओके, और यहाँ आपका आता है 23.5 डिग्री ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ओके, दिस वन 23.5 ओके। अब 23.5 से आप चले जाओ यहाँ पर 66.5 डिग्री नॉर्थ, ये आपका जो है ये आर्कटिक सर्कल है, यानी कि ये आपका हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये आपका हुआ आर्कटिक सर्कल ठीक है। अब इसके बीच की जो ये एरिया है ये आपका टेम्परेट जोन है। सेम ऐसे सदर्न हेमिस्फीयर में ये आपका हुआ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और ये आपका हुआ अंटार्कटिक सर्कल, दोनों सेम रीजन 23.5 डिग्री आपका साउथ पे और नीचे 66.5 डिग्री आपका साउथ पे। सो ये आपके क्या हुए, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और अंटार्कटिक सर्कल। तो यहाँ ये रीजन जो है ये आपका हो गया टेम्परेट जोन। तो हमेशा याद रखना ये डिग्री आपको याद है ना बेटा, सो यू कैन फाइंड आउट द ज्योग्राफी सॉल्यूशन। चलो तो अब हम बात कर रहे हैं टेम्परेट जोन की। ओइंग टू द मॉडरेट रेनफॉल क्या होगा, द ग्रासेस आर द मेन फीचर ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, क्योंकि हैवी रेनफॉल तो है नहीं, सो दीज ग्रासलैंड ऑफर सुटेबल अपॉर्चुनिटीज फॉर फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग। अब क्योंकि ग्रासलैंड बड़े बड़े उग रहे हैं तो आसानी से फार्मिंग हो सकती है, कैटल रेयरिंग हो सकती है, सो यहाँ पर लोग जो हैं बहुत ज़्यादा फार्मिंग में इंगेज हैं। द डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स हैज़ फर्दर एडेड टू द वेल्थ ऑफ दिस रीजन। अब फार्मिंग बहुत अच्छी हो रही है तो भाई अच्छा प्रॉस्पेरस लाइफ होगी, फिर मिनरल्स भी मिल गए तो और अच्छा ट्रेड में आप इंगेज हो गए। सो दिस रीजन इज़ द मोस्ट डेवलप रीजन इन द वर्ल्ड, आप ये कह सकते हो। ग्रासलैंड्स आर फाउंड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के जो अंदर का पार्ट होता है ना वहाँ मिलते हैं आपको ग्रासलैंड इन द मिडल लैटिट्यूड्स। एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द क्लाइमेट इज हाई डिफरेंस बिटवीन द समर एंड विंटर टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है समर और विंटर में। ग्रासलैंड जो यहाँ पे मिलते हैं ना बेटा, इनको हम अलग अलग नाम से पहचानते हैं, हर जगह पे हर ग्रासलैंड का अलग नाम है। लाइक अगर आप देखोगे तो आपको नॉर्थ अमेरिका में जो ग्रासलैंड है उन्हें हम प्रेरीज कहते हैं, साउथ में चले जाओ तो हम वेल्ड कहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेरीज की। द टर्म प्रेरीज का मतलब क्या है, मिडो और द ग्रासलैंड, ये मतलब है, इसलिए इसको नाम प्रेरीज रखा गया है। द ग्रासलैंड कॉल्ड प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। यू कैन सी दिस इज द मैप ऑफ नॉर्थ अमेरिका ना, ये नॉर्थ अमेरिका है आपका, इसको हम किस नाम से जानते हैं ना, USA ठीक है। सो ये नॉर्थ अमेरिका है और इसके इंटीरियर में देखो आप, आपको बाहर में नहीं नज़र आएगा, इंटीरियर में नज़र आ रहा है ये ग्रीन कलर का है ना, दिस इज योर प्रेरी ग्रासलैंड
ओके, लैटिट्यूड अगर आप देखोगे तो 40 डिग्री नॉर्थ टू 55 डिग्री नॉर्थ के बीच में आपका ये आता है। अमेरिका है, कनाडा है, ये आपका इसमें आपको मिलेगा प्रेरी ग्रासलैंड। एक्सटेंड फ्रॉम द रॉकी माउंटेन इन द वेस्ट, देखो रॉकी माउंटेन आपका कहाँ है, ये रहा, ये रॉकी माउंटेन है और इसके वेस्ट में आपका ये नज़र आएगा आपको। एंड देन द ग्रेट लेक्स एंड ओयो रिवर इन द ईस्ट, आपको यहाँ पर ये रिवर नज़र आएंगी, एप्लेशियन माउंटेन भी नज़र आएगा, आपकी ओयो रिवर भी है, ग्रेट लेक्स भी है, तो इसके आसपास आपको प्रेरी ग्रासलैंड नज़र आएंगे। अच्छा, दिस रीजन विटनेस द मच डिफरेंस इन द डे टाइम एंड द नाइट टाइम टेम्परेचर, बहुत डिफरेंस होता है, डे में जो टेम्परेचर है उससे बिल्कुल ही अलग टेम्परेचर आपको रात में दिखेगा। नाउ टोपोग्राफी एंड क्लाइमेट की बात करें तो रीजन इज मार्क्ड विद द फर्टाइल प्लेन्स और जेंटली रोलिंग हिल्स एरियाज विदाउट एनी हाई माउंटेन्स, सो इसीलिए क्योंकि फर्टाइल है तो एग्रीकल्चर तो बहुत अच्छा होगा। नाउ ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, देखो एब्सेंस है, तो होता क्या है, जो रेन बेयरिंग विंड्स होती हैं ना, दे फ्लाई ओवर दिस रीजन, ड्यू टू विच दिस रीजन विटनेस द डेफिशिएंट ऑफ रेन। अभी क्या है, कुछ रोकने वाला नहीं है, पानी वाली हवाएं हैं वो चल रही हैं, ठीक है। अभी कोई पहाड़ हो, बहुत सारे घने जंगल हो तो उससे टकराए तो बारिश हो, लेकिन कुछ भी नहीं है तो क्या होता है, ये रीज़न है आपका प्रेरी, बारिश वाली हवाएं उड़कर आगे चली जाती हैं, बैड लक। इस वजह से यहाँ पर जो वाटर है, जो रेन सप्लाई है, कह सकते हो ना अमाउंट ऑफ रेन, वो कम है, रेन डेफिशिएंट एरिया हम इसे कहते हैं, क्योंकि जो वाटर बेयरिंग विंड है वो आगे चली जाती हैं विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन। अब बात करते हैं हम द एवरेज एनुअल रेनफॉल, फिर कितना है इसका, लेस देन 50 सेंटीमीटर पर एनम, विच इज़ नॉट इनफ टू सपोर्ट द ग्रेट ग्रेट और डेंस फॉरेस्ट। हाँ, ग्रासलैंड जरूर सपोर्ट करता है इतना रेनफॉल। अब देखो, इट इज इनफ टू सपोर्ट द ग्रासेस, सो द ग्रासेस फाउंड हेयर हैव बिग रूट्स, so they can take a moisture from the soil and widespread grassland have made the soil fertile। और यही कारण है भाई, देखो जो roots हैं वो ग्राउंड वाटर से ले ले रही हैं और ये जो grassland है ये पूरी एरिया को इतना fertile बना रहे हैं कि अगर आप इन्हें क्लीन करके फार्मिंग करोगे ना, क्लियर करके, तो बहुत अच्छी फार्मिंग होगी। इन स्पाइट ऑफ डिफिशियंट रेनफॉल, ये देखो पानी इतना ज़्यादा नहीं है, रेनफॉल नहीं मिल रहा है इतना, फिर भी जो है यहाँ खेती अच्छी होगी। द रीज़न हैज़ रिसोर्सेज ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ टू इम्पॉर्टेंट रिवर्स, एक तो आपकी मिसिसिपी है अमेरिका में जिसका पानी आपको मिल रहा है यहाँ पे, और दूसरी आपकी है स्कैश्विन इन द कैनेडा, ये दो मेन रिवर हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट इनकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं जो वाटर सप्लाई दे रही हैं, सो प्रेरीज को जितना एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए वो इनसे रिवर से मिल जाता है। एस द प्रेरीज आर लोकेटेड इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मैप में मैंने आपको शो किया था, सो दे विटनेस द कॉन्टिनेंटल टाइप ऑफ क्लाइमेट। अभी क्या होता है, टेम्परेचर कैसे वेरिएट करता है, इट हैज़ एक्सट्रीम टाइप ऑफ क्लाइमेट, विंटर्स बहुत ज़्यादा ठंडे होंगे, टेम्परेचर -20 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे चला जाता है, और कई बार तो ये रीजन स्नो में कवर्ड हो जाता है। अब समर पे आ जाओ उल्टा, तो समर क्वाइट वार्म, when the temperature goes as high as 21 degree centigrade, और यहाँ पे भी local warm wind चलती हैं जिनको चिनूक कहा जाता है, गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों में जिनको वहाँ के लोग क्या कहते हैं, चिनूक। It melts the snow, thus making grasses available for the grazing. चिनूक की वजह से क्या होता है, पूरी बर्फ़ पिघलनी शुरू हो जाती है, गर्म हवाएं हैं तो घास दिखने लग जाती है एज ए स्प्राउट, और जानवरों के लिए ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता है। ऑक्यूपेशन की बात करें तो प्रेरीज आर मोस्टली ग्रासलैंड, रेनफॉल सफिशियंट है नहीं, तो अभी क्या होगा, ट्रीज तो इधर उधर मिल नहीं रहे, नियर वाटर रिसोर्सेज लाइक रिवर है, लेक्स हैं, जहाँ पानी की जो अवेलेबिलिटी है वहाँ पे कुछ पेड़ों को उगाया जाता है। चीफ वराइटीज़ ऑफ ट्रीज अगर आप देखोगे यहाँ पर तो वो आपको मिलेंगे एल्डर, विलो और पॉपुलर आपको यहाँ मिलेंगे। द एरियाज नियर द लेक विनीपेग, जो विनीपेग लेक है ना उसके आसपास की जो एरिया है वहाँ पे रेनफॉल
50 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, इसलिए वहाँ पर लोग विनिपेग के आसपास जो है लोग फार्मिंग करते हैं। नंबर ऑफ़ क्रॉप्स वहाँ पे उगाई जाती है, लाइक मेज़ हो गया आपका, सोयाबीन, कॉटन, वीट, अल्फा, ये सारा उगाया जाता है। विंड ब्लो हार्ड कॉजिंग द सॉयल इरोशन, सो क्या करते हैं ये काउंटर प्लाविंग करते हैं, काउंटर प्लाविंग या स्ट्रिप प्लाविंग, स्ट्रिप क्रॉपिंग करते हैं, जिससे कि जो सॉयल इरोशन है उसको रोका जा सके। अभी क्या होता है, ये इन्होंने अपना सॉयल इरोजन करने के लिए दो टाइप की क्रॉपिंग कर ली है। एक्सटेंसिव प्लेन्स हैव लेड टू एक्सपेंसिव वीट फॉर्म, क्योंकि दूर दूर तक जो है आपको प्लेन एरिया नजर आएगी, तो क्या होता है बड़े बड़े वीट फार्म हाउस बने हुए हैं, इतने बड़े ना, समटाइम दे आर एज लार्ज एज 1000 हेक्टेयर। अब जिसके पास 1000 हेक्टेयर का फार्म हाउस है, दैट तो रिच फार्मर्स, एंड दे रिच फार्मर दे अंडरटेक मैकेनाइज फार्मिंग, इतना बड़ा लैंड है उनके पास, तो भाई उन्हें तो न्यू टेक्नोलॉजी को अपनाना पड़ेगा, टोटल मैकेनिज्म जैसे कहते हैं ना मैकेनाइज फार्मिंग, उस पर डिपेंड होंगे। ऑल फार्मिंग ऑपरेशंस आर कंडक्टेड बाय मशीन्स, लाइक बड़े बड़े आपके कंबाइन हार्वेस्टर्स जो हैं वो यूटिलाइज होते हैं यहाँ पे, थ्रेशर हैं, ट्रैक्टर्स हैं, सीड ड्रिल्स हैं, टोटल मशीन को यूटिलाइज किया जाता है। Then due to the abundance of wheat production, these plains are also known as granary of the world. क्योंकि ग्रेन उगा रहे हैं ना सबसे ज़्यादा, इसलिए इन्हें ये टाइटल मिला हुआ है। पॉपुलेशन जो है यहाँ की बहुत ज़्यादा नहीं है, सो वीट क्या होगा भाई, वीट तो आपने बहुत ज़्यादा उगा दिया, पॉपुलेशन कम है, तो उसे एक्सपोर्ट किया जाता है यहाँ पर अदर देशों में। दिस अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोडवेज, रेलवेज जो है इसकी वजह से क्विक ट्रांसपोर्टेशन होता है। नेटवर्क हैज़ ऑल्सो इनकरेज द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सो देखो कैसे फार्मिंग से इंडस्ट्री भी कनेक्ट हो गई है। ईस्टर्न एरियाज जो है यहाँ की, वहाँ पे लेस देन 50 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है, तो इस वजह से क्या होता है वहाँ फार्मिंग ज़्यादा नहीं होती, लेकिन ग्रासेस तो ग्रो हो रही है, तो अब क्या करेंगे, ग्रासेस को वेस्ट तो जाने नहीं देंगे, तो वहाँ पे केटल फार्मिंग की प्रैक्टिस होती है। तो ये हमेशा ध्यान रखो, जहाँ 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल हो रही है वहाँ एग्रीकल्चर हो रहा है, फार्मिंग, और जहाँ कम हो रही है वहाँ पे केटल फार्मिंग यानी कि एनिमल्स को पाला जाता है। देयरफॉर द चीफ ऑक्यूपेशन ऑफ द ईस्टर्न एरिया इज़ द केटल रेयरिंग, लार्ज केटल फार्म्स बनाए गए हैं, जो केटल फार्म जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों को रखा जाता है दूध के लिए या अदर प्रोडक्शन के लिए, उन्हें हम कहते हैं रेंचेस, यानी लार्ज केटल फार्म्स आर नोन एज रेंचेस, गोट शेप, हॉर्सेस, पिग्स, ये यहाँ पे रियर कर दिए जाते हैं फॉर द मिल्क, फॉर मीट, स्किन एंड वूल। नाउ दीज रेंचेस आर लोकेटेड आफ्टर बाय द स्टर्डी मैन, हु इज दैट, बहुत बार आपने स्टोरी में भी नाम सुना होगा, काउबॉयज, ठीक है, जो इन रेंचेस को पूरा लुक आफ्टर करता है, देखभाल करता है, हम उन्हें काउबॉयज कहते हैं। हु राइड हॉर्सेस टू लुक आफ्टर द एनिमल, देखो एक फोटो प्यारी सी काउबॉयज की प्रेरी फॉर्म में, ठीक है। द रेंचेस आर मेंटेन ऑन द मॉडर्न लाइन, ऐसे नहीं ऐसे बना दिए हैं कि बस बांध दिए जानवर, नहीं, मॉडर्न लाइन पे मशीन्स आर वाइडली यूज फॉर मिल्किंग, ऐसे नहीं हाथ से दूध नहीं निकाला जाता, मशीनरी से दूध निकाला जाता है, बेथिंग के लिए मशीन यूज होती है, अदर एक्टिविटीज़ के लिए, सो केटल आर फेड कॉर्न एंड ओट इन एडिशन टू ग्रास, ये खिलाया जाता है उन्हें। दिस हैज हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ डेयरी फार्मिंग हेयर, सो फार्मिंग एंड डेयरी फार्मिंग टूगेदर हेल्प टू एस्टैब्लिश द नंबर ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, क्योंकि उन्हें भाई क्या चाहिए, उन्हें तो रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर से चाहिए, वो मिल रहा है, और इसके बाद इनकी एक्सपोर्ट ही उन्हें बनती जाती है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सेसिव ग्रेजिंग एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, ये अब प्रॉब्लम क्रिएट करें, क्योंकि देखो एंड तो है ही नहीं हमारी लालच का कहीं, और हमें तो कुछ ना कुछ ज़रूरत की चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तो हम क्या करते रहते हैं, हम डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम इरोशन करते हैं, तो यहाँ पे भी यही हुआ है कि एक्सेसिव ग्रेजिंग करा दी गई है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी करा दी गई है, जिससे सॉयल इरोशन बहुत ज़्यादा हो रहा है। नाउ द गवर्नमेंट हैज़ इनेक्टेड स्ट्रिक्ट रूल्स फॉर द ग्रेजिंग, वो चेक करें कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हमारे इम्बैलेंस कर देगा नेचर को, इसलिए गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट रूल्स बना रही है। अच्छा बेटा, आपको पता है ग्रासेस में क्या क्या आता है, हमें कई बार लगता है ना ग्रासेस तो वो हमने देखी है आसपास घास को ही कहते हैं, नहीं, ग्रासेस में आपके वीट प्लांट भी काउंट होते हैं, ग्रासेस में आपके बैम्बू प्लांट भी काउंट होते हैं, मैनी अदर प्लांट्स आर
count as a grass. So it has been given in your know it also, ke wheat plant and bamboo plant count as a grasses. अब हम बात करते हैं अ फीदर इन द कैप ऑफ द प्रेरी. कितना बढ़िया वर्ड लिखा है, फेदर इन द कैप ऑफ द प्रेरी इज द डिस्कवरी ऑफ मिनरल. यानी कि बहुत मतलब बहुत अच्छे से उन्होंने ये लाइन लिखी है राइटर ने आपके लिए, कि अगर देखें कि भैया उसके कैप में एक और फेदर लग गया है, यानी एक और अचीवमेंट जो है प्रेरीज की वो ये है कि यहाँ पे मिनरल्स मिले हैं लाइक कोल एंड आयरन. दीज मिनरल्स हैव हेल्प टू डेवलप द रीजन फर्दर. भाई देखो, मिनरल्स मिलेंगे तो बहुत तेज़ी से आपका जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ेगा, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, तो इससे डेवलपमेंट हुआ है. एट प्रेजेंट दिस इज़ द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड रीजन इन द वर्ल्ड. जो पहले फार्मिंग करता था अब ये इसमें डिपेंड हो गया. नोएट पे चलते हैं. द कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज रन थ्रू द प्रेरीज. मोस्ट टाउन्स इन द प्रेरीज आर लोकेटेड विद इन द 20 किलोमीटर ऑफ दिस रेलवे लाइन. तो इसलिए ये रेलवे लाइन को डेवलप किया गया है, कैनेडियन पैसिफिक रेलवेज. वाइल्ड लाइफ की बात करें तो आफ्टर द यूरोपियंस अराइव्ड इन द प्रेरीज दे क्लियर्ड द वास्ट लैंड फॉर फार्मिंग एंड कैटल रेयरिंग. हंटिंग की उन्होंने बहुत ज़्यादा, जिसकी वजह से जो वाइड कहते हैं ना वैरायटी ऑफ स्पीशीज थी वो ख़त्म हो गई है. बट द इम्पॉर्टेंट स्पीशीज वॉज बाइसन एंड एज वेल एज, जैसे हम कहते हैं ना बाइसन, आप पिक्चर में भी देख रहे हो नाउ, तो इट इज़ अ प्रोटेक्टेड स्पीशीज. अदर इनडेंजर स्पीशीज की अगर हम बात करें तो एंटीलॉप्स और डियर्स हैं. प्रेरी डॉग जो है इट्स अ टाइप ऑफ रोडेंट विच गॉट इट्स नेम आफ्टर इट्स बार्किंग. नाउ इट इज़ ऑल्सो एन इनडेंजर्ड स्पीशीज. आप देखो कितना प्यारा है ये प्रेरी डॉग, इसके बार्किंग की साउंड से इसको ये नाम मिला है. अपार्ट फ्रॉम डैट रैबिट है आपका, आपके गोफर्स हैं ये भी यहाँ मिलते हैं. अब हम चलते हैं दूसरे ग्रासलैंड पे, दैट इज वेल्ड. अभी हमने प्रेरीज पढ़ा, अब लाइफ इन वेल्ड्स पढ़ेंगे. ये कहाँ पे हैं आपके, साउथ अफ्रीका में. वो पढ़ा हमने नॉर्थ अमेरिका में, ये साउथ अफ्रीका में है आपके, और इनको हम वेल्ड या वेल्ड्स कहते हैं. अगर आप देखोगे ये कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, वेल्ड्स आर लोकेटेड अराउंड द 30 डिग्री ऑफ द साउथ. दीज एक्सटेंसिव ग्रासलैंड आर बाउंडेड बाय ड्रेकन्सबर्ग माउंटेन ऑन द साउथ ईस्ट एंड कालाहारी डेजर्ट ऑन द साउथ वेस्ट. यू कैन सी दिस पिक्चर, है ना. और ये जो आपको पिंक कलर का नज़र आ रहा है ना इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट में, ये आपके वेल्ड हैं, ये घास भूमि है. अगर टोपोग्राफी और क्लाइमेट की बात करें तो वेल्ड आर लोकेटेड इन द प्लेट्यू रीजन. और क्या है इसकी हाइट वहाँ पर, 600 to 1600 मीटर की हाइट पर हैं ये, प्लेट्यू में है ये. और प्लेट्यू स्लोप जो है ईस्ट से वेस्ट की तरफ है. नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट जो है हम उसे कहते हैं हाई वेल्ड. ये देखो ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट है तो ये आपका हाई वेल्ड कहलाता है. और इसकी हाइट जो है 1100 मीटर से 1600 मीटर की हाइट है. लोकेटेड एट द इंटीरियर मैंने आपको बताया, तो इसलिए यहाँ पे ड्रायर क्लाइमेट है. एवरेज एनुअल रेनफॉल देखोगे तो लेस देन 40 सेंटीमीटर है. वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल जो है जैसे जैसे आप साउथ से नॉर्थ की तरफ जाओगे या ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाओगे और कम होती जाती है. इन हाई वेल्ड द समर्स आर वेरी वार्म एंड वेट. When the day temperature reaches to the 20 degree centigrade, rainfall mainly occurs in the summer month. From November to February, ना यहाँ पे बारिश होती है. बेटा मैं सदर्न हेमिस्फीयर में हूँ तो सदर्न हेमिस्फीयर में नवंबर टू फेबररी जो होता है वो समर मंथ होता है. विंटर्स आर ड्राई एंड कोल्ड एंड टेम्परेचर वेरीज बिटवीन 5 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है, कई बार 10 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो जाता है. अगर आप रात में देखोगे टेम्परेचर तो वो फ्रीजिंग पॉइंट पे भी चला जाता है विंटर में, 0 डिग्री पे. फ्रॉस्ट बहुत ज़्यादा होती है हाई वेल्ड में ड्यू टू द दिस टेम्परेचर. तो वाइल्ड लाइफ की अगर हम बात करें तो वेल्ड्स आर वंस अबज विद अ लार्ज नंबर ऑफ द वाइल्ड एनिमल्स, चाहे वो हर्बीवोर्स रहे हों, कार्निवोर्स रहे हों, जिराफ है, डियर है, लियॉन्स हैं, लेपर्ड्स आपके हैं, चीताज हैं. हाउएवर सेम प्रॉब्लम, जैसे जैसे हम फार्मिंग कर रहे हैं और अपना एक्सटेंड कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर की एरिया को, कैटल रेयरिंग कर रहे हैं, तो भाई ये जानवरों की लाइफ तो थ्रेट में आ गई है, इनको मारा जा रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं. एग्रीकल्चर इंडस्ट्री की बात करें सो विद द अबंडेंट न्यूट्रिशियस ग्रासेस द हाई वेल्ड्स आर सुटेबल फॉर द कैटल रेयरिंग.
कैटल जो है रियर किए जाते हैं मिल्क मीट लेदर के लिए, और आपकी वुलन इंडस्ट्री के लिए भी ये यूज़फुल होते हैं। सम क्रॉप्स आर ऑल्सो ग्रोन यहाँ पर जो होती हैं, मेज़ है, कॉटन है, टोबैको, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये भी ग्रो किए जाते हैं। अच्छा, फार्मर्स जो हैं दे प्रैक्टिस द मिक्स्ड फार्मिंग, जिसमें कि वो फार्मिंग भी कर रहे हैं और कैटल रेयरिंग भी कर रहे हैं, दोनों काम कर रहे हैं। सो दे आर रिच डिपॉजिट ऑफ मिनरल ऑल्सो इन द वेल्ड, क्योंकि वेल्ड में हमें क्या मिला है बेटा, आयरन, गोल्ड, इवन डायमंड एंड कोल ऑल्सो। यू कैन सी दिस किम्बरले गोल्ड माइन, ये हमें मिली है, यहाँ से गोल्ड निकलता है, तो इसकी वजह से जो है यहाँ पे थोड़ी प्रॉस्पेरिटी है बिकॉज ऑफ द मिनरल। डायमंड माइंस जो किम्बरले की है, दे आर वेल नोन टू द वर्ल्ड। दीज मिनरल्स हैव इनकरेज सेटिंग अप ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड एज वेल एज, आपको एक नाम दिया हुआ है बेटा यहाँ पे, प्रिटोरिया, जिसे आप अंडरलाइन करेंगे, इज अ लार्ज इंडस्ट्रियल सेंटर एंड दीज हैव मेड साउथ अफ्रीका द मोस्ट इंडस्ट्रियलाइज्ड नेशन ऑफ द अफ्रीका। साउथ अफ्रीका इसीलिए डेवलप्ड हुआ है। एक्सपोर्ट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड डेयरी फार्मिंग प्रोडक्ट्स हैव मेड द पीपल प्रॉस्पेरस। तो ये मिनरल्स की डिस्कवरी के बाद इसका जो है कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी बढ़ी है। पीपल की बात करें तो वंस इन द पास्ट द ब्लैक पीपल वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एंड देवर पुअर एंड दिस डिस्क्रिमिनेशन वॉज नोन एज अपार्थेड। ब्लैक और वाइट का डिस्क्रिमिनेशन था ना, अपार्थेड सिस्टम, लेकिन बहुत लॉन्ग स्ट्रगल चली, एंटी अपार्थेड स्ट्रगल, और उसके बाद आप ये देख सकते हैं मिस्टर नेल्सन मंडेला, इन्होंने हार्ड वर्क किया, इनकी लीडरशिप में जो है फाइनली ये डिस्क्रिमिनेशन खत्म हुआ है। नाउ एवरी पीपल आर इक्वल, दिस हैज हेल्प द ब्लैक पीपल टू प्रॉस्पेरस एंड एक्सपेंडिंग द डेयरी फार्मिंग, माइनिंग एंड इंडस्ट्रीज, इवन इनरिच द पीपल इकोनॉमिकली। सो इस तरीके से नाउ द पीपल आर इक्वली ट्रीटेड इन द साउथ अफ्रीका। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस चैप्टर, सो लेट्स डू द क्विक रिवीजन। सो व्हाट वी हैव डिस्कस इन दिस चैप्टर, grasslands are found in the middle latitudes in the interior of the continent with a very difference of the summer and winter temperature. फिर हमने prairies की बात की थी जो कि आपके अमेरिका और कैनेडा में है। prairies जो हैं they are well suited for the farming and as well as cattle rearing. After that we have discussed the farmers in the prairies are very rich and prosperous due to the large farms. देन डिस्कवरी ऑफ मिनरल्स जो हुआ प्रेरीज में, इससे इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत तेज़ी से बढ़ा। वेल्ड की हमने बात की थी कि साउथ अफ्रीका में है, प्लेट्यू रीजन में पड़ता है वेल्ड। देन कैटल रेयरिंग, डेयरी फार्मिंग, माइनिंग और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो है, इसकी वजह से यहाँ के लोग जो हैं आगे तरक्की कर पाए हैं। वाइल्ड लाइफ जो है बहुत ज़्यादा सफ़र हुई है यहाँ पर प्रेरीज में भी और वेल्ड में भी ड्यू टू द एक्सटेंसिव फार्मिंग। So that's end for the chapter. I hope you understand. Now it's your turn. Do the exercise carefully.